मेरा नाम है दोस्तों यासिन हसन और आज इस वीडियो में मैं माइक्रोफोन स्टैंड की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और ये काफी ज्यादा सस्ता और अच्छा और किफायती माइक्रोफोन होगा आप सभी के लिए। साथ में इंस्टॉलेशन भी करके दिखाऊंगा कि काफी ज्यादा इजी है और ये कितने एंगल पे घूम सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें और लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करूंगा माइक्रोफोन स्टैंड की। अगर आप जानना चाहते हैं काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के माइक्रोफोन स्टैंड के साथ तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं माउंट करने वाला हूं इसके साथ जो माइक्रोफोन है वो दिखा देता हूं आपको। वो ये है ब्लू आइसबॉल। आप में से काफ़ी सारे लोग इस ब्लू आइसबॉल कंडीशनर के बारे में जानते होंगे। ये वॉइस ओवर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर और काफ़ी अच्छी क्वालिटी ये जो आइसबॉल है देता है। इसके बाद इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये भी मैंने बाई किया अमेज़ोन से कुछ दिन पहले, तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। और इसके साथ माउंट अभी करके दिखाने वाला हूं। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ माउंट करके दिखाऊंगा प्रोडक्ट की कंटेंट और क्वालिटी और कितने रुपये में प्राइस पड़ा ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इस वीडियो में। ओके तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवा के। अगर वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी लगे, काफ़ी ज़्यादा नहीं अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, साथ में सपोर्ट करना हमारे चैनल को कि मैं आगे भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट वीडियो अच्छी अच्छी लेकर आता रहूं। और साथ में ये वाला पॉप फिल्टर भी मैंने बाय किया है जो आप सभी चाहे तो काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी बेस क्वालिटी डीप वॉइस के लिए। तो चलिए दोस्तों समय ना गवा के चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी। दोस्तों हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट निकलता है। तो कुछ ये स्टैंड निकल कर आया है हमारे पास, इसका हमारे पास कुछ काम नहीं है। और इसके साथ मुझे कुछ और भी प्रोडक्ट मिले हैं, जैसे कि ये माइक का स्टैंड मिला है, ठीक है ये वाला। साथ में मुझे ये कुछ टेबल से कनेक्ट करने के लिए ये मिला है, मतलब टेबल से मैं पेच कर सकता हूँ। ये चीज़ ये मैं यहाँ पे टेबल पे कहीं भी सूटेबल लगेगा कंफर्टेबल होकर मैं इसको इजीली लगा सकता हूँ काफ़ी इजी तरीके से ये मिला है। और मुझे जो चीज़ बाकी जो चीज़ मिली है वो पूरी पूरी ये है जो कि 360 एंगल पे मैं पूरा का पूरा इसे ये है। काफ़ी अच्छा है वैसे तो देखा जाए। और ये दोस्तों मुझे जो प्राइस इसकी जो लगभग पड़ी है वो मुझे 300 के आसपास समथिंग ये है, अमेज़ोन से मैंने बाय किया है। ये प्रोडक्ट था जो हम अपना माइक्रोफोन इसके ऊपर माउंट करेंगे इजीली और देखेंगे कि भैया क्या है ये प्रोडक्ट है जो आप सभी के सामने है, ठीक है। और हम अपने आइसबॉल को इसके साथ माउंट करेंगे इस वाले जो काफ़ी ज़्यादा ही बेहतर और काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। तो मैं अभी इसको असेंबल करके आप ही के सामने दिखाऊंगा और इसको लगा के मैं माउंट करके दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो सबसे पहला माउंट है ये वाला जो आपको टेबल के अंदर फिक्स करना है तो ये ऊपर साइड से इस तरीके से लगेगा और नीचे की साइड में ये होगा, ये एंगल होता है, मतलब आपके जो इसकी जो चौड़ाई वो कितनी उस हिसाब से आपको ये ओपन कर लेना है। ओपन करने के अंदर इस तरीके से आपको फंसा देना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ये फंसाने के बाद आपको नीचे से इसको घुमा के ऐसे टाइट कर लेना है जिस भी एंगल पर टेबल के जहाँ भी सेट करना चाहते हैं। उसके बाद इसका पहला काम ये होता है सेट करने का और सेकेंड थिंग ये होता है कि आपका ये वाला जो स्टैंड आएगा इसको आपको ऊपर से इस तरीके से यहाँ पर माउंट कर लेना है, यूँ करके इसको लगा देना है। और इसके बाद इसका ये वाला जो पैच होता है इसको पूरी तरीके से घुमा देना है, इसको टाइट कर देना है कि ही लेना। वैसे तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसको माउंट करने के बाद इसको लगाने के बाद फिर इजीली आप अपना यहाँ पर माइक्रोफोन जो भी है वो सेट कर सकते हैं। एक बार के लिए मैं आपको इसको सेट करके भी दिखा देता हूँ वो किस तरीके से सेट होने के बाद ये दिखेगा। वैसे बहुत काफ़ी ईजी इंस्टॉलेशन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ईजिली दोस्तों हमने इसको फाइनली यहाँ पर सेट कर लिया है। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने नीचे टेबल की तरफ यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर आप नॉर्मली उसके साइज़ के हिसाब से अपने स्क्रू घुमाएं और टाइट कर लिए अपना टेबल जहाँ भी आपको सेट करना है। और ईजिली ये स्टैंड पूरी तरीके से ये हो गया। ये मेरा ब्लू आइस बॉल है येरा, जैसा आप देख पा रहे हैं ये सामने ही आपके है।
आप इसको देखिए, ईजिली ये यहाँ पे माउंट हो रखा है और ये स्टैंड पूरी तरीके से मेरे ये कंप्यूटर टेबल पे लगा हुआ है। अब ईजिली इसके आगे मैंने ये पॉप फिल्टर भी इस तरीके से इसमें लगा के सेट कर दिया है। अब ये पूरे का पूरा मेरा जो है सेट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, और ईजिली मैं इसको यहाँ से कहीं से भी इस तरीके से मैं इसको घुमा सकता हूँ चारों ओर बड़ी ईजी तरीके से। ये पूरी तरीके से यहाँ से भी घुमा सकता हूँ, साथ में ऊपर यहाँ से देखेंगे तो ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे साइड में भी आप ला सकते हैं इसको इजीली। काफ़ी अच्छा सेट है, पीसी पर आप इजीली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी इंस्टॉलेशन गाइड या बुक या किट की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी है, बच्चे से बच्चा कर सकता है इजीली, इतना इजी है। ये अपना कोई भी माइक्रोफोन, अभी ये जो मेरा माइक्रोफोन है ये मतलब आधे किलो का आसपास तो ये ब्लू आइसबॉल हो गया, और ये काफ़ी अच्छे से मतलब इतना अच्छा मेंटेन कर रहा है, और ये मुझे कम से कम लगभग 200-350 के आसपास ये वाला जो है माइक स्टैंड पड़ा है, काफ़ी अच्छा है। और मैंने इजीली इसको इंस्टॉलेशन कर लिया, इसके लिए मुझे कम से कम 10 मिनट का टाइम लगा, और इसके लिए कोई सीखने वाली कोई चीज़ नहीं थी, बस अपनी चीज़ों को सेट करना था और माउंट लगाया, इजीली हो गया। अब इसको आप जहाँ भी लगाना चाहें और जहाँ भी जिस एंगल पर घुमा कर वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। सबसे अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग करने का बेटर जो तरीका होता है वो खड़े होकर होता है, आप स्टैंड मतलब खड़े होकर जो वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे काफ़ी अच्छी वॉइस आपकी रिकॉर्डिंग होगी। तो ये बहुत अच्छा इजी हेल्प होगा आपके लिए, वीडियो आप बनाते हैं तो इस वाले माउंट को अपने किसी भी माइक्रोफोन, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप आर्ड जो रोड के माइक आते हैं NT01A करके कुछ समथिंग है, वो वाले माइक काफ़ी ज़्यादा बल्कि और भारी होते हैं, तो वो वाले माइक्रोफोन इस स्टैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी होंगे तो वो बढ़िया नहीं है। या ब्लू 80 भी लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा है कि मतलब चलाए लेगा काम इतना है, बट उससे भारी माइक को ये मतलब उसके लिए कंफर्टेबल माइक नहीं है ये बिल्कुल भी, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आप इजीली जो ब्लू आइसबॉल हो गए 500-600 ग्राम के जो माइक्स होते हैं उसको इजीली ये स्टैंड कर सकता है अपने स्टैंड के ऊपर, काफ़ी इजी है, कंफर्टेबल इसलिए और काफ़ी अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए लगा क्योंकि इसको आप इजीली कहीं भी सेट भी कर सकते हो और इसको किसी भी एंगल पे ऊपर नीचे जिस भी साइज़ पर आप मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो, कहीं भी घुमा सकते हो आप इस साइड में कहीं भी। तो दोस्तों ये आज आपके लिए ये काफ़ी अच्छा मतलब मैंने वीडियो बनाई ऑफिस से आने के बाद। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगती है और आप मतलब कुछ हेल्प लेना चाहते हैं इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ भी आप क्वेरी करना चाहते हैं, किसी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर करें इस वीडियो को और साथ में सब्सक्राइब करें दोस्तों।